यार पेन ड्राइव इस्तेमाल करना तो कहीं ना कहीं लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि अब तो ऑनलाइन ही फोटो वीडियोस फाइल्स सब ट्रांसफर हो जाते हैं, वो भी चंद सेकंडों में। अब यहाँ पे पेन ड्राइव का इस्तेमाल तो वैसे भी बंद हो गया, बट कुछ लोग हैं जो यूज़ कर रहे हैं, बट अच्छी बात है। अब यहाँ पे जो मैं मेन बात करने वाला हूँ, यानी जो वीडियो का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, कि क्या है कि जो पेन ड्राइव जो होता है वो कभी कभी करप्ट हो जाता है, यानी उसके कुछ फाइल्स ख़राब हो जाते हैं या उसमें कुछ वायरस आ जाता है कि वो डिलीट नहीं होता है, या फॉर्मेट आप कितना भी कोशिश करो फॉर्मेट नहीं हो रहा है, या जब भी आप इंसर्ट कर रहे हो बार बार फॉर्मेट दिखा रहा है बट फॉर्मेट होता नहीं है, यानी किसी तरह का भी उसके अंदर के फाइल्स डिलीट नहीं हो रहे, फॉर्मेट नहीं हो रहा, या वो ओपन नहीं हो रहा, यानी करप्ट हो चुका है, यानी देखा जाए तो पेन ड्राइव आपका खराब हो चुका है। तो यहाँ पे मैं कमांड का एक आपको सोल्यूशन बताऊंगा, उसको लेते हुए आप एक बार करके देखिए, मे भी शादी आपका काम कर जाए। तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आते हो तो पता है क्या करना है, कर दीजिएगा। और भी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो उसके रिलेटेड वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएंगे। डायरेक्ट आ जाते हैं इस वीडियो में, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि क्या है इस वीडियो में। सबसे पहले देखो कमांड ओपन करना है। कमांड ओपन करने के लिए यार आप सिंपल सी बात है रन एज दबा दीजिए, यानी कि विंडो बटन और आर दबाओगे, और उसके अंदर आपको सीएमडी टाइप करना है। सीएमडी टाइप करते ही आपको एक छोटा सा पॉपअप मिलेगा कमांड का। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है डिस्क पार्ट। अब डिस्क पार्ट जैसे आप क्लिक करोगे एक और नया विंडो पॉपअप हो जाएगा। अब पीछे वाले को आप डिलीट कर सकते हो, यानी हटा सकते हो, यानी क्लोज कर सकते हो। अब डिस्क पार्ट ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमें टाइप करना है लिस्ट डिस्क। अब इसका मतलब होता है जितने भी आपके पीसी या लैपटॉप में हार्डवेयर कनेक्टेड है, यानी स्टोरेज कनेक्टेड है, वो यहाँ पे शो करेंगे। अब यहाँ पे मेरा जो सेकंड वाला है, यानी जो डिस्क लिखा 2, वो है मेरा 8GB का पेन ड्राइव जो मैंने इंसर्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है सेलेक्ट डिस्क 2 करके। जैसे ये सेलेक्ट हो जाता है उसके बाद मुझे यहाँ पे टाइप करना है क्लीन। अब क्लीन का मतलब ये नहीं कि हो गया, नहीं, अभी भी तो बहुत कुछ बचा है। अब जैसे क्लीन सक्सेसफुली होता है उसके बाद हमें टाइप करना है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। ये आप जैसे जैसे देख सकते हो स्पेलिंग आपको करेक्ट आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाता है, वहां से आप देख सकते हो। जैसे कि मैंने बोला जैसे आप टाइप करोगे क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, ये सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद हमें टाइप करना है फॉर्मेट FS इक्वल टू FAT32। अब देखिए यहाँ पर किसी को आपको NTFS भी यूज करना पड़ेगा, यानी कि मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ। यानी अगर बाई चांस आपका फॉर्मेट FS इक्वल टू FAT32 यूज नहीं हो रहा है तो आपको यूज करना है फॉर्मेट FS इक्वल टू NTFS। ये बात याद रखिएगा, दोनों में से कोई भी एक तरीका आप में काम करेगा तो दोनों ही कर लो ना एक बार, जैसे थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब ये बात याद रखिएगा, जब आप ये टाइप करते हो यानी फॉर्मेट टाइप करते हो तो इसके बाद कम से कम 4 से 5 मिनट लग सकता है, तो पेशेंस रखना। जैसे ही वो होता है उसके बाद आपको असाइन टाइप करना है, और असाइन टाइप करते ही दैट्स इट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप एग्जिट कर सकते हो, और फिर आप पेन ड्राइव देख सकते हो कि मेरा जो है एक्चुअली 8GB का हो गया, पहले वो KB में था, तो हो गया इसका सोल्यूशन, राइट। तो अगर आपको कोई भी एंगल में ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आपको पता है क्या करना है, कर दीजिएगा। और पहली बार इस चैनल पे आप लोगों को पता है क्या करना है, कर दीजिए। और भी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो उसके लिए वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। मिलते हैं नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।